आज मैं आपको कुछ ऐसी रहस्यमय वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें मौजूद नहीं होना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, थ्री पिन प्लग। ये प्लग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जॉन जे विलियम्स को 1998 में उत्तरी अमेरिका की एक लंबी पैदल यात्रा के दौरान मिला था। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि प्लग जिस चट्टान में है वो कम से कम 1,00,000 साल पुरानी है। विलियम्स ने प्लग का स्थान बताने से इनकार कर दिया जहां वो प्लग मिला था। विलियम्स को प्लग के लिए $500,000 तक की पेशकश की, लेकिन उसने बेचने से इनकार कर दिया। अब आप ही सोचिए, 1,00,000 साल पहले मानव थ्री पिन बनाकर करता भी क्या, बिजली तो थी नहीं। नंबर 9, प्राचीन स्क्रू। 7 अक्टूबर 1996 को पश्चिम रूस के कालुगा क्षेत्र में गिरने वाले खगोलीय पिंड के टुकड़े खोजने की कोशिश में शोधकर्ताओं के एक समूह को खोज करते समय यह स्क्रू मिला था। भूवैज्ञानिक स्क्रू के पत्थर का लैब टेस्ट कराने के बाद अनुमान लगाते हैं कि पत्थर लगभग 30 करोड़ साल पुराना है। ये एक विवादास्पद आर्टिफैक्ट का उदाहरण है जो आधुनिक विज्ञान को चुनौती देता है। तो क्या ये स्क्रू हमारी पृथ्वी के बाहर से आया है? क्या किसी एलियन द्वारा लाया गया है? नंबर 8, बगदाद बैटरी। बगदाद बैटरी 3 कलाकृतियों का एक समूह है जो एक साथ पाए गए, जिसमें एक सिरामिक बर्तन, एक धातु की ट्यूब और एक धातु की छड़ है। शुरुआत में इन्हें एक आम पुराने बर्तन ही समझा गया था, पर इन बर्तनों में कॉपर की छड़ के साथ एक तरल भी भरा था जो कि एक बैटरी की तरह काम करता था। बगदाद बैटरी करीब 150 BC से 224 AD के बीच की मानी गई है। ये सोचने वाली बात है कि उस समय मानव ने इसे बनाने का सोचा कैसे और इसका वे क्या इस्तेमाल करते होंगे। नंबर 7, जेनेटिक डिस्क। जेनेटिक डिस्क कोलंबिया में पाई गई थी। ये एक प्रसिद्ध डिजाइनर और वास्तुकार जेमी गुडियरेस को ये डिस्क मिली थी। जेनेटिक डिस्क लैक्सिट नामक एक बहुत विशिष्ट धातु से बना है। माना गया है कि ये डिस्क करीब 1000 वर्ष से अधिक पुरानी है। जेनेटिक डिस्क में एक शुक्राणु, भ्रूण और यहाँ तक कि महिला के अंडकोश की तस्वीरें दिखती हैं, जो कि इतने वर्षों पहले के मानव के लिए जानना कैसे मुमकिन हुआ, ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। नंबर 6, नाम्पा मूर्ति। जब 1889 में कुछ मजदूर नाम्पा के निकट पानी के लिए जमीन में ड्रिल कर रहे थे, उन्हें एक छोटी सी मूर्ति मिली। ये मूर्ति लगभग 300 फीट की गहराई पे मिली थी। ये एक महिला की मूर्ति है और ये मूर्ति करीब 2,000,000 वर्ष पुरानी मानी गई है। माना जाता है कि मनुष्य धरती पर करीब 2,00,000 वर्ष पहले अस्तित्व में आए, तो फिर ये मूर्ति 2,00,000 वर्ष पुरानी किसने बनाई, जबकि पृथ्वी पर कोई मनुष्य था ही नहीं। नंबर 5, वॉयनेज किताब। वॉयनेज किताब को करीब 15वीं सदी में लिखा गया है। ये किताब अकल्पनीय चित्रों से भरी है। इसे किसने लिखा इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस किताब में लिखी भाषा अज्ञात है जो किसी की समझ में नहीं आती है। इस किताब में विचित्र चित्र बने हुए हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वॉयनेज किताब को लिखने का क्या उद्देश्य है वह कुछ साफ नहीं है। क्या यह किताब किसी की कल्पना भर है या ये कोई अति विशिष्ट जानकारी है जिसे हम समझने में असफल हैं। नंबर 4, कॉस्को स्पार्क प्लग। 1961 को कैलिफोर्निया में वर्जीनिया और माइक कुछ खनिज नमूनों की तलाश कर रहे थे, वहीं उन्हें ये स्पार्क प्लग मिला। वर्जीनिया के अनुसार एक भूवैज्ञानिक जिसने स्पार्क प्लग की जांच की थी ने कहा कि अपने वर्तमान रूप को प्राप्त करने के लिए कम से कम 5,00,000 साल लगे होंगे। स्पार्क प्लग 5,00,000 साल पुराना हो इसमें संदेह से इनकार नहीं कर सकते। यहाँ कई प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते जिसके कारण ये संदेह के घेरे में आता है। नंबर 3, फाइस्टोस डिस्क। ये डिस्क 1908 में इतालवी पुरातात्वी लुइंगी पैरनियर को मिली थी। इस डिस्क में कई संकेत चिन्ह बने हुए हैं, हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये एक भाषा है या फिर ये सब चित्र मात्र हैं। डिस्क की तारीख करीब 1850 BC से 1600 BC के बीच मानी गई है। फाइस्टोस डिस्क करीब 4000 वर्ष पुरानी मिट्टी से बनी हुई है। यहाँ मिट्टी पर स्टैम्प ब्लॉक से ये चिन्ह बनाए गए हैं, पर ये किस लिए बनाई है कुछ नहीं पता। नंबर 2, लेडी ऑफ एल्ची। लेडी ऑफ एल्ची एक चूना पत्थर से बनी मूर्ति है जो 1897 स्पेन में खुदाई के दौरान मिली थी। इस मूर्ति में एक औरत की प्रतिमा को दिखाया गया है जिसके सिर का परिधान सबके आकर्षण का कारण है। कुछ का मानना है कि ये कोई एलियन यंत्र है।
इस मूर्ति पर लाल, नीले और पीले रंग किए गए थे जो अब नहीं रहे। इस मूर्ति के पीछे सिर के नीचे एक छेद है जिसका कारण किसी को समझ नहीं आता कि क्यों बना है। नंबर एक, एंटिकाय थेरा यंत्र। ये यंत्र 1901 में एंटिकाय थेरा जहाज के मलबे में से मिला था। इस जहाज के मलबे की जांच के बाद ये यंत्र लगभग 150 से 100 BC के बीच का माना गया है। एंटिकाय थेरा यंत्र एक प्राचीन यूनानी एनालॉग कंप्यूटर है और इस यंत्र की मदद से खगोलीय स्थिति और ग्रहणों की भविष्यवाणी करते थे ऐसा माना गया है। एंटिकाय थेरा यंत्र की जटिलता अपने आप में हैरान करने वाली है और बिना किसी आधुनिक ज्ञान के इसे बना पाना अपने आप में हैरान करता है। पर उन्हें ये ज्ञान मिला कहाँ से? तो ये थे 10 रहस्यमय वस्तुएं जिन्हें मौजूद नहीं होना चाहिए। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।